हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी 8वीं कक्षा का अध्ययन करेंगे। पाठ 3, मेरा देश मेरी माँ। संकलित, संकलित यानी क्या? संग्रहित, यानी संग्रह से लिया गया यह पाठ है। तो सबसे पहले हम इस पाठ का आशय देखते हैं। शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना तानकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी तो वीर विजयमाला पहनते हैं। इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जगता है। वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। देखो, इस पाठ से क्या है? बच्चों में साहस और वीरता का भाव जगता है और वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। देखो बच्चों, यह 1965 की एक शाम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उस वक्त क्या है, हर तरफ शांति का वातावरण था। ऐसी कोई भी आशंका, यानी कोई भी मन में ऐसी शंका नहीं थी कि कुछ हो जाएगा। तभी क्या है, दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उसी वक्त मतलब शांति शांति थी हर जगह, पर उसी वक्त क्या है, दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। और इस अचानक हुए हमले से, हमला हमला यानी क्या है, आक्रमण। तो अचानक हुए इस आक्रमण ने क्या है, भारतीय सेना को चौंका दिया। चौंका देना, चकित करना। और छुट्टियां बिताने के लिए जो सैनिक अपने घर गए थे, उनको क्या है, तुरंत वापस आने का आदेश भेजा गया। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। माँ का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। मेजर का गला भी रुंध गया, पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। देखो, जो सैनिक घर पर छुट्टियां बिताने के लिए गए थे, उन्हीं में से एक भारतीय सेना के मेजर, उनको जब सूचना मिली तो उन्होंने क्या है, जाने की तैयारी की और माँ के पैर छूकर प्रणाम लिया। उस वक्त माँ का ममत्व जाग उठा। ममत्व यानी ममता, क्योंकि बेटा फिर से बॉर्डर पर यानी क्या है, अपनी सेना में जा रहा था। भारतीय सेना को वह क्या है, लौट रहा था। उस वक्त क्या है, माँ का ममता, माँ की ममता जाग उठी और माँ के आंखों में आंसू आ गए। और बेटे को उन्होंने क्या किया, माँ ने सीने से लगा लिया। उस वक्त मेजर का भी गला रुंध गया। रुंध जाना यानी क्या है, गदगद होना, यानी मेजर को भी रोना आया। पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया, यानी क्या है, उस वक्त उन्हें मातृभूमि का स्मरण आया और उन्होंने अपने आप को संभाला। और युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर, देखो युद्ध भूमि में अब माँ को पता है कि अपना बेटा अपने देश के लिए लड़ने जा रहा है, तो उन्होंने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए माँ ने क्या कहा, देखो, कि बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि तुम मेरी चिंता मत कर, इस वक्त क्या है, सबसे पहले राष्ट्र रक्षा करना ही हर एक भारतीय का कर्तव्य
कर्तव्य है। और माँ ने कहा कि जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। और एक बात उन्होंने याद रखने के लिए कहा कि भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। यानी जब तुम अपने देश के लिए लड़ने जाओगे तो सामने से आने वाली गोलियों से डरना नहीं, क्योंकि भारतीय परंपरा क्या है, सीने पर गोली खाने की है, पीठ दिखाकर भागना नहीं। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? देखो क्या है, युद्ध भीषण रूप ले रहा था, बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया था। और इच्छोगिल नहर क्या है, लाहौर से 14 किमी की दूरी पर है। और इसका मोर्चा क्या है, भारतीय सेना के लिए एक चुनौती की दीवार बन गया था। और सवाल ये था, प्रश्न उठा, यानी क्या है, सवाल ये था कि इस अभेद्य दीवार को, अभेद्य यानी जिसको तोड़ा न जाए, यानी जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ऐसी अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी अब कौन निभाएगा? कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था, पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं? तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। ये गांव से आए हुए वही मेजर थे। देखो क्या है, वह कार्य क्या है, आसान नहीं था। और कैसा था, जैसे सीधे मौत के साथ जूझना था, जूझना यानी क्या, लड़ना यानी मौत के सामने जाना था, पर वीर कभी मौत से डरते नहीं है। क्या है, जो वीर होते हैं वह कभी भी मौत के भय से रुकते नहीं है। और तभी एक वीर ने क्या है, इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। दायित्व यानी क्या है, जिम्मेदारी। तो उस बात का क्या है, एक वीर ने क्या है, दायित्व स्वीकार कर लिया। और ये कौन थे, वह उस माँ के बेटे थे जिन्होंने माँ से आशीर्वाद लेकर गांव से आए हुए वही मेजर थे। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाला। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। देखो बच्चों क्या है, मौत की परवाह किए बिना वह मेजर क्या है, उस मोर्चे को उन्होंने संभाल लिया। किस लिए, कि संभाल लेना यानी संकट से बचाना, उस आए हुए अपने देश के ऊपर जो संकट आया है उसको बचाने के लिए क्या है, उस मेजर ने उस मोर्चे को संभाल लिया। वे धीरे धीरे क्या है, आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली यानी क्या है, भयभीत करना, दिल दहलाना यानी भयभीत करना, यानी भयभीत करने वाली गोलियों का शोर, जो सामने से गोलियां बरस रही थी उनका शोर क्या है, एकदम दिल दहलाने वाला था। और कैसा था, कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतजार किया जाए इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबार करते हुए दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। देखो उन जो मेजर ने मोर्चा संभाला था, उनके दिल में, मन में क्या है, देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। और उन्होंने मौके का इंतजार यानी ये गोलियां बरसना बंद हो जाएगा और फिर मैं आगे बढ़ूं, इसका इंतजार यानी प्रतीक्षा, राह देखना, इसका इंतजार ना करते हुए क्या है, और इंतजार वो कर भी नहीं सकते थे क्योंकि इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबार करते हुए क्या है, दुश्मन के जो टैंक थे उसको ध्वस्त यानी नाश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं, माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर
आगे बढ़ते रहे और गोलियां आ आकर उनके सीने में घुसती गई। देखो तभी क्या है, जब वह दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे तो दुश्मनों की गोलियां क्या है एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। लेकिन उस वक्त माँ के कहे शब्द क्या भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं, ये शब्द क्या है माँ के शब्द प्रेरणा दे रहे थे उनको। और वे क्या है उस चोट की परवाह किए बिना, यानी जो गोलियां उनके हाथ व पेट में घुस रही थी उनका दर्द वे जरा भी उसके बारे में नहीं सोचते हुए क्या है आगे बढ़ते रहे और गोलियां क्या है आ आकर उनके सीने में घुसती गई। स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। देखो स्थिति को समझते हुए उन्होंने क्या किया, पीछे हटने का मतलब अब उनको उनका जिंदा रहना नहीं था, मतलब उनको इतनी सारी गोलियां लग गई थी और इस स्थिति को समझते हुए क्या है उनको आदेश जारी कर दिया कि पीछे हट जाओ। लेकिन मेजर के कदम नहीं रुके, उन्होंने क्या है दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त करके ही विजयश्री गले लगाकर ही दम लिया। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। रुंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में कसक रही थी पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ है, मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई हैं, पीठ पर नहीं। देखो जब उन्होंने विजयश्री लगाकर जब वो गिर गए तब तुरंत ही क्या है अमृतसर के एक सैनिक अस्पताल में उन्हें भर्ती कर दिया गया और तब तक क्या है पूरा सीना उनका गोलियों से छलनी हो चुका था। और रुंधे गले से भरे हुए गले से एक अधिकारी ने पूछ लिया, उनको पता चल गया कि अब ये बचने वाले नहीं है और उन्होंने उनकी अंतिम इच्छा को पूछा। तब उस वक्त गोलियां क्या है सीने में कसक रही थी, उनके अंदर दर्द हो रहा था और तभी फिर भी मेजर के चेहरे पर मुस्कान थी और उस मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, हाँ है, मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने क्या है गोलियां सीने पर ही खाई हैं, पीठ पर नहीं। जानते हैं ये बहादुर कौन थे? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। देखो अब तक जो जिस मेजर का इस पाठ में वर्णन किया गया है आप जानते हैं वो कौन थे, वो बहादुर कौन थे? तो वो भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे जिन्होंने क्या है अपने माँ के वचनों का, यानी माँ ने जो उनको सलाह दी थी उस वचन का उन्होंने पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। दीपक बुझ गया पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। दीपक बुझ गए ने वह क्या है उनका अंतिम दिन आ गया और वे गुजर गए पर उन्होंने जो काम किया उसकी अमर ज्योति क्या है युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। तो बच्चों यह पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ यह पाठ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।